वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. जैसे भी हैं, क्या हम लोग अपने देश के अंदर वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे नहीं कर सकते? उधर उनको देखो, वो टैंक अपने देशों के अंदर बना बना के भाई साहब वो ला रहे और नए नए इंजन उसके अंदर डाल रहे। देख, अपने खुद अपना देश ही बनाया देसी, और वहां पर देखो F-35 जैसे इतना बड़ा हुआ है फाइटर जेट, अगर इंडिया के पास 20 हो, वो हमारा कोई भी फाइटर जेट उससे लड़ नहीं सकेगा। नहीं, पूरे पाकिस्तान का फाइटर जेट उसके साथ नहीं लड़ सकेगा। अगर वो फिफ्थ है फाइटर जेट, अगर वो F-35 ले, वो जगह से उड़ता है, बस समझो कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर है, जहां मर्जी है उसको उतार दो। वो जहाज अगर भारत का पायलट अंदर बैठ गया उसके अंदर, तो वो मैं कहता हूँ कि जिस देश में अगर उन्होंने स्ट्राइक की उसके लिए वो तबाही है, क्योंकि भारत के जो पायलट है वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है हर चीज का। इंडिया से आ रही है, उड़ती चली जा रही है, सनातन धर्म विश्व का सर्वोत्तम अमेरिका से। ये कारण है वो ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खत्ते में, हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है जैसे भी उसके हालात हैं। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो है वो वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए, नए हथियार खरीदने के लिए है। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, इंडिया के पास पैसे ज्यादा है, मंदिरों की संख्या भी लगा के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर भीड़ और ये नाम आया में स्थापित हनुमान जी की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसके बावजूद के रुपए की कदर में कमी हुई। फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो और पता नहीं है क्या कुछ, क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिकन प्लेन्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वो तो हमारे लिए जानते हैं हम मुकाबला किससे कर रहे हैं, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। अमेरिकन दूसरी बात यह है कि इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है वो ये कह देता है कि अमेरिका चीन और भारत के बाद। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सीमा पर आग कड़ाई दुश्मन देशों की अब खैर नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस साल अप्रैल में भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक जोरावर को भारतीय सेना को सौंप सकता है। DRDO ने टैंक का विकास प्रशिक्षण पहले ही शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक हमारे विकास सह उत्पादन भागीदार सुविधाओं में शुरू हो गया। टैंक को 100 किलोमीटर से अधिक तक ले जाया गया है और इस साल अप्रैल तक इसे भारतीय सेना को दिए जाने की उम्मीद है। इस हल्के टैंक को जल्द सीमा की निगरानी के लिए भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए इंजन के साथ हल्के टैंकों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। DRDO कंपनी अपनी साझेदार लॉसन एंड टूब्रो के साथ मिलकर हल्के जोरावर टैंक का उत्पादन करेगी। इस हल्के टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रशिक्षण के बाद दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई। और इसका जारी बात है, अब चाइना जो है इंडिया को है बहुत जल्द F-35 क्योंकि ये अगर इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपीरियरिटी, जारी बात है इंडिया को ये चैलेंज होगा। अब ये जो मुझे याद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता हो पर भगवान विष्णु
था भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं को भी मंदिर में स्थापित किया गया। यहाँ हिंदू समुदाय धार्मिक शिक्षा देने के लिए आयोजन स्थल पर कक्षाएं आयोजित करता है। दूसरे इंडिया और अटलांटा में स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर है, जिसका निर्माण सफेद चमकदार यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का बेहद गणेश नागेंद्र बाबा भगवान वेंकटेश्वर और भगवान रामलिंगेश्वर की दो मुख्य दोस्तों प्रत्येक है साथ ही किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार की व्यवस्था के चलते हम कई बार और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रेटजी एनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई डोंट सी के चाइनीज ऐसे भी हैं क्या, हम लोग अपने देश के अंदर वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, उधर उनको देखो वो टैंक अपने देशों के अंदर बना बना के भाई साहब वो ला रहे और नए नए इंजन उसके अंदर डाल रहे हैं, अपने खुद अपना देसी बनाया देसी। और वहां पर देखो F-35 जैसे इतना बड़ा हुआ है फाइटर जेट है, अगर इंडिया के पास 20 होंगे हमारा कोई भी फाइटर जेट उससे लड़ नहीं सकेगा, नहीं पूरे पाकिस्तान का फाइटर जेट उसके साथ नहीं लड़ सकेगा। अगर फाइटर जेट अगर वो F-35 ले वो जगह से उड़ता है, मैं समझो कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर है जहां मर्जी है उसको उतार दो, वो जहाज अगर भारत का पायलट अंदर बैठ गया उसके अंदर तो वो मैं कहता हूँ कि जिस देश में अगर उन्होंने स्ट्राइक की उसके लिए वो तबाही है, क्योंकि भारत के जो पायलट्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है हर चीज का। ये बात तो सही है, वजह अमेरिका खुद दे रहा ये बात, पहले भी मैं आपको एक दफा 6 महीने साल हो गया तकरीबन बताई थी कि अमेरिका ने खुद ऑफर दी थी कि लो हाँ, और आज भारत ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि हम लेंगे और 20 आते 25 आते 30 आते 20 भी आ जाए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।